वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक और मीशो हॉल वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैंने आज मंगवा रखे हैं मीशो से कुछ टॉप्स, करीब 7 to 8 टॉप्स मैंने मंगवा रखे हैं। तो मैं इन टॉप्स को आप लोगों के सामने ओपन करूँगी, आप लोग देख सकते हो। तो इनको मैं आप लोगों के सामने ओपन करूँगी, प्लस ट्राई करके बताऊँगी कि इनको परचेज करना वर्थ इट है या नहीं, आप लोग परचेज कर सकते हो या नहीं, और इनको स्टाइल भी करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको इनमें से सबसे अच्छे टॉप कौन से लगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप पीछे देख सकते हो मैंने पूरा बैकग्राउंड अपना चेंज किया है। मैंने ये बैकग्राउंड मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए भी किया है, प्लस मेरा पेज है viretup.in, जिसके लिए मैंने पूरा बैकग्राउंड चेंज किया। आप लोग साइड में वीडियो देख सकते हो, अब कितने अच्छे से मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, मेरे पेज के लिए भी प्लस मेरे यूट्यूब वीडियोज के लिए भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर आपको इसका भी पूरा सेटअप वीडियो चाहिए, मतलब मैंने एक सेटअप वीडियो के अकॉर्डिंग इसको शूट किया है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगी मेरे दूसरे चैनल पे। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर दूंगी। ओके, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉप मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, देखो ये ऐसा टॉप है, इसका मटेरियल तो अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, सच में कॉटन मटेरियल है। और इसको बताऊँ कैसे वेयर करना है, इसको जैसे दो साइड से है, तो इसको जब आप वेयर करोगे तब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे करके आपको वेयर करना है। प्लस इसको आप अलग अलग तरह से भी स्टाइल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको फ्रंट पे पहन सकते हो और इसको बैक में ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तो यार मैंने इसके देखे तो बहुत तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं, तो मैं भी इसको वेयर करके देखती हूँ कि इसको ये मुझ पर कैसा लगता है, प्लस इसको परचेज करना वर्थ इट है या नहीं। और जैसा आप देखोगे इस वीडियो में, मैं जितनी भी जीन्स वेयर करूंगी वो सारी जीन्स मेरे खुद के पेज से viretup.in, उसका भी हॉल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है वो जीन्स हॉल वीडियो ही है, viretup जीन्स हॉल, ऊपर मैं लिंक भी लगा दूंगी साइड में कहीं, आप लोग क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो। तो आप वहाँ से चाहो तो परचेज कर सकते हो मेरे पेज से भी जीन्स। तो चलो मैं इसको पहले ट्राई करके आती हूँ। सो गाइज, मैंने सारे टॉप खोल दिए हैं क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता कि पहले मैं आप लोगों के सामने पार्सल ओपन करती, फिर टॉप्स को वेयर करती, तो मुझे फ़ोन को वर्टिकल करना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं सारे टॉप ओपन कर लेती हूँ, पहले मैं उनको शूट करके आ चुकी हूँ ट्राई करके, तो अब मैं इनकी आपको बताती हूँ रिव्यू। तो जो फर्स्ट टॉप था वो ये था, ये मैंने पहनकर देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस इसका मुझे एक माइनस पॉइंट ये लगा कि बार बार मतलब मुझे सेट करना पड़ रहा था, कभी इसकी नॉट यहाँ से कहीं जा रही थी, कभी ऊपर से लूज हो रहा था, तो बार बार बस मुझे इसको सेट करना पड़ता था। क्या पता कि मेरी गलती हो, मैंने इनको अच्छे से टाइट से बांधा नहीं हो, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने इसको क्रीम वाइड लेग जीन्स के साथ इसको मैंने पेयरअप किया था, आप लोग देख सकते हो, और मैंने इसको ना वैसे बांध दिया था, मतलब जो जीन्स थी ना उसके अंदर मैंने इसको ऐसे बांध दिया था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग देखना, मैं साइड में दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो यह बहुत ही प्यारा टॉप था, ये ब्राउन के साथ क्रीम कलर ही जाता है, आप लोग देखते हो कितना ट्रेंड में है अभी ये कलर दोनों। सो यार ये बहुत ही अच्छा टॉप है, आप लोग चाहो तो कुछ न्यू यूनिक अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग इसको ज़रूर परचेज कर सकते हो। और जो इसकी प्राइस थी वो थी 227 रुपीज़, बहुत ही सही है अपनी प्राइस में, मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है, और मैंने इसको एक्सल साइज में परचेज किया था, तो आप लोग भी इसको आराम से परचेज कर सकते हो। तो जो सेकंड टॉप था वो था ये, आप लोग देख सकते हो, ये एक तरह से क्रॉप टी या फिर क्रॉप टॉप बोल सकते हो आप इसको, इसका मटेरियल कॉटन नहीं है, आई डोंट नो इसका मटेरियल क्या है, एक सेकेंड मैं आप लोगों को देख कर बताती हूँ। सो यह जो सेकेंड टॉप है वो ये है, आप देख सकते हो, और आप लोग जानते हो ये कलर मेरा कितना फेवरेट है, मतलब मुझे जब जिस भी चीज़ में कलर दिखता है मैं ज़रूर उसको ऑर्डर कर लेती हूँ। सो यार ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्रॉप टी बोल सकते हो आप इसको या फिर क्रॉप टॉप बोल सकते हो, पर ये कॉटन मटेरियल में नहीं है, इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है इसका मटेरियल। एंड जो मैंने इसमें पिक में तो देखा था, पिक में तो इसकी हाफ इतनी स्लीव्स थी, बट इन लोगों ने फुल स्लीव का भेजा है मुझे, बट अच्छा है ये फुल स्लीव में, अच्छा उन्होंने भेजा, जो क्योंकि फुल स्लीव में अच्छा लग रहा है, अगर हाफ स्लीव में होता तो बहुत ही ज़्यादा टाइट लगता है ये, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने सोचा नहीं था इसे क्रॉप टॉप भी मुझ पर अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो भी जीन्स मैंने इनके साथ पेयरअप किए वो हाई वेस्ट जीन्स है, इसके लिए सारे क्रॉप टॉप मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो, आप लोगों के मन में कि क्रॉप टॉप आप लोग वेयर करो, तो आप लोग हाई वेस्ट जीन्स परचेज करो, उसके ऊपर आप आराम से क्रॉप टॉप वेयर कर सकते हो, वो ऑड नहीं लगता। सो या मैंने इसको वाइट कार्गो के साथ पेयरअप किया था, प्लस मैंने इसको ब्लैक कार्गो साथ भी पेयरअप किया व्हाइट स्टिच में। सो ये भी मैंने एक्सेल साइज में परचेज किया था, इसकी प्राइस थी 312 रुपीज़। तो ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा, इसकी क्वालिटी की क्वालिटी को देखा जाए, बट अगर ये कॉटन में होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ये भी बहुत प्यारा है, आराम से ब्रीथेबल था, इससे कोई दिक्कत आ नहीं रही थी इसको वेयर करने में। सो यार आप लोग अगर चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो।
सो यार जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये, आप जो देख सकते हो कितना प्यारा है, जो इसके आगे जो पैटर्न है इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे टाइट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो, और अगर आपको ऐसे फुल चाहिए तो आप लोग उसको ऐसे भी वेयर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसका भी सेम मटेरियल है उसकी तरह पॉलिएस्टर, और इसकी भी ये भी मैंने एक्सरसाइज में परचेज किया, इसको मैंने वाइट सॉरी ब्लैक कार्गो के साथ पेयर अप किया था जिसमें वाइट स्टिच हो रहे थे, तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत। अगर आप मुझसे पूछोगे आपका कौन कौन से फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मटेरियल भी ब्रीथेबल है, उसका मटेरियल भी ब्रीथेबल था, तो ये आप लोग अगर चाहो तो इसको भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से प्रिंसेस जैसा एक लुक नहीं होता, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स है वो बबल स्लीव्स है, आप लोग देख सकते हो जो एंड में इसका, आप लोग जानते हो मुझे ऐसे स्लीव्स वाले टॉप्स अच्छे लगते हैं, और प्लस फुल स्लीव्स के टॉप्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सारे टॉप्स फुल स्लीव में ऑर्डर करती हूँ। सो यार ये भी बहुत प्यारा टॉप है, आप लोग चाहो तो इसको भी परचेज कर सकते हो। बस व्हाइट कलर में कई लोगों को इशू होता है, व्हाइट कलर में वो लोग नहीं चाहते ऑर्डर करना क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो अगर इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हो तो, अदरवाइज ये बहुत प्यारा टॉप है। सो इसके प्राइस 334 रुपीज़, इसको मैंने ऑर्डर किया था एक्सेल साइज में, ये बहुत ही प्यारा टॉप है, अगर आप लोग चाहो तो उसको जरूर परचेज कर सकते हो। अगर आप पहले ऑर्डर करते हो ना मीशो से तो आपको और ऑफ मिल जाता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप पहले पे करके ऑर्डर किया करो मीशो से। सो द नेक्स्ट टॉप है वो है ये ज़ेब्रा प्रिंट में, मतलब मुझे कुछ यूनिक टॉप भी चाहिए थे तो ये बहुत ही यूनिक मुझे लगा, और आजकल ये ट्रेंड में भी मैंने बहुत लोगों को इसको वेयर करते हुए देखा, मतलब ऐसे ज़ेब्रा प्रिंट में टॉप, तो मैंने इसको ऑर्डर करा। प्लस ये भी एक तरह की क्रॉप टॉप कह सकते हो उसको भी, बट ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब ये सारे 3-4 क्रॉप टॉप ही मंगाए मैंने और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि एक तरह का ना एक सिंपल कैजुअल वेयर हो जाता है कि आप आराम से कहीं भी वेयर कर सकते हो इनको, क्रॉप टीज जो होती है, क्योंकि पूरा कवरेज भी दे देते हैं, स्लीव्स भी पूरा होती है, प्लस ये आपको हाई वेस्ट जीन्स पे आप पहनोगे तो एक तरह से पूरा कैजुअल लुक आ जाता है, तो मुझे ये आजकल ये बहुत पसंद आ रही है इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर किया, और ये भी मैंने एक्सेल साइज में परचेज किया है, और हाँ इसका मटेरियल भी पॉलिएस्टर है, और ये मुझे पड़ा 324 रुपीज़ का। टॉप के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी भी और आगे भी जो टॉप आए थे 320 रुपीज़ के, जो 300 के अभाव है मुझे नहीं लगता इतने महंगे होने चाहिए, क्योंकि मीशो को हम इसलिए जानते हैं कि उसमें सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो ये 300 से ऊपर है तो आई थिंक ये वर्थ इट नहीं है। बाकी टॉप अच्छा है, अगर आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। सो या इसके प्राइस है 324 रुपीज़, और इसको मैंने एक्सरसाइज में परचेज किया है, और इसको मैंने पेयर अप कर रखा है वही ब्लैक कार्गो के साथ जिसपे स्टिचेज हैं, सो या उस पर बहुत प्यारा जा रहा था, ये आप लोग देख सकते हो साइड में। सो या जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये, मतलब ये इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे टॉप, एक जो ये शाइन मार रहा है ना अलग ही तरह की, मतलब इसमें जो पिक्चर्स आने वाली है ना वो तो बहुत ही बढ़िया आने वाली है, और एक तो इसका ये वाला पैटर्न ये देखो इतना प्यारा लग रहा था, मतलब यहाँ पे ही आपको ऐसे हक कर लेता ही हूँ, और फिर बाकी जो स्लीव्स होते हैं पफी स्लीव्स रहते हैं, मुझे पफी स्लीव के टॉप आपको पता है कितने पसंद है, मैंने अभी भी ऐसे ही पहन रखा है टॉप, ओके। तो ये इतना प्यारा लग रहा था ना, और जो ये शाइन कर रहा है वो, प्लस है ना ये एक तरह की बारबी सा लुक दे रहा है, जैसे बारबी नहीं होती ऐसे क्यूट सा, आप इसको व्हाइट कार्गो के साथ पेयर अप करो या व्हाइट कोई भी जींस के साथ पेयर करो, इतना प्यारा लग रहा था, मैंने इसको व्हाइट कार्गो के साथ पेयर अप किया था, इतना मतलब क्यूट सा टॉप लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया टॉप, इसको तो मैं पक्का रिटर्न नहीं करूँगी, इसको तो मैं अपने पास ही रखूंगी। सो बहुत ही प्यारा क्रॉप टॉप था ये, अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, और इस टॉप को ना सेल करने के लिए उन्होंने जो पिक लगा रही थी ना वो पिक में भी वो टॉप उस लड़की बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, अगर आप इसको किसी ब्लैक बॉटम के साथ भी पेयर अप करोगे ना तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। सो ये टॉप तो वर्थ इट है, इसको परचेज करना, आप लोग इसको जरूर परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको पार्टी वेयर टॉप ढूंढ रहे हो तो उसको आप आराम से आग बंद करके परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था टॉप, एक बारबी टाइप का एक क्यूट सा टॉप लग रहा था, और आप लोगों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसको मैंने एक्सरसाइज में परचेज किया था, और इसकी प्राइस थी 263 रुपीज़, पहले पे करने के बाद मुझे 240 रुपीज़ का पड़ा। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉप है, आप लोग इसको परचेज करना तो ज़रूर परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉप दिखाती हूँ। सो यार जो नेक्स्ट है वो है ये क्रॉप टी, इसका मटेरियल कॉटन है, उसके आगे लिखा हुआ है ब्रॉकलिन, और ये जो आगे वाला प्रिंट है आप लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में, बहुत ही ज़्यादा ओवरसाइज टी शर्ट क्रॉप टी शर्ट बहुतों पे ये प्रिंट अभी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी जो स्लीव्स है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, मैंने सोचा था कि नी तक एल्बो तक तो इनकी स्लीव्स आएगी, बट इसकी स्लीव्स यहाँ तक आई है, तो मेरे आर्म्स थोड़े से ज़्यादा
आर्म्स थोड़े हेल्दी हैं, तो ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप लोगों के थोड़े स्लिम्स है, स्लिम है आपके हाथ, तो आप लोगों पे अच्छी लग सकती है। बट जो जिनके आर्म्स हेल्दी होते हैं उन पे इतनी छोटी स्लीव्स के टॉप्स या वगैरह टॉप्स आई डोंट थिंक सो अच्छे लगते, मुझ पे तो ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसको रिटर्न करूंगी। अदरवाइज इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और इसके आगे जो प्रिंट है भी बहुत प्यारा लग रहा था, एक तरह का स्पोर्टी लुक दे रहा था, जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, फिर एज कैजुअली आप भी इसको अगर आप वेयर करो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। सो यार मैं आपको इसकी प्राइस बता देती हूँ एक बार। सो ये इसकी प्राइस थी 149 रुपीज़, 149 रुपीज़ में बहुत ही सही टी शर्ट है। तो देखूंगी मैं इसको रखना चाहूंगी तो रख लूंगी, क्योंकि प्राइस सही है इसके, ज्यादा प्राइस होती तो मैं रिटर्न कर देती। सो ये आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, इसको मैंने एक्सेल साइज में परचेज किया है और इसको भी मैंने वही ब्लैक कार्गो के साथ पेयर अप किया है, आई थिंक सो स्टिच मुझे याद नहीं है, तो आप लोग साइड में देख लेना। और ये सारी कार्गो साइज जो भी जीन्स है सारी हाई वेस्ट है। सो यार जो नेक्स्ट टॉप है वो भी ये सेम क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हो, बट इसके आगे जो वी नेक है मुझे बहुत प्यारा लगा और ये इतना प्यारा लुक दे रहा था, आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने व्हाइट कार्गो के साथ पेयर अप किया, इतना प्यारा लग रहा था ना, सच में मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा। इसका मटेरियल भी पॉलिएस्टर है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा बुरा लगा कि ट्रांसपेरेंट था, आगे से थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो या तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप लोग इसको आराम से वेयर कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट में थोड़ा बहुत अंदर का ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप लोग आराम से इसको परचेज कर सकते हो। मैं भी इसको रखूंगी, मैं इसको भेजूंगी तो नहीं वापस, बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा था सच में। ये भी एकदम कैजुअल और बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी सा लुक, जो आज का ट्रेंड में नहीं हम देखते हैं कि अधिकतर गर्ल्स यही पहनती है, अगर आप देखो तो क्रॉप टॉप और ये सब ही पहनती है वो, लॉन्ग और लॉन्ग टॉप्स और पता नहीं उन सबका तो ट्रेंड गया, ये सब क्रॉप का ही ट्रेंड चल रहा है अभी। तो सारे टॉप्स आई थिंक बहुत ही वर्थ इट है। और जो मैंने आपको जीन्स भी दिखाई, यू भी नहीं कि आपको जीन्स का कोई इशू हो कि आप कहाँ से परचेज करो, मैंने सारी जीन्स आपको दिखाई है मेरे जीन्स वाले हॉल में, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको मेरा सारा जीन्स का कलेक्शन दिखाया है। सो ये आप उनमें से किसी के साथ भी इसको पेयर अप करके आराम से वेयर कर सकते हो। और नीचे मैंने हील्स पहनी है और उसके बाद मैंने जो शूज पहन रखे व्हाइट कलर के, वो रेड टेप के शूज है, उनका भी मैं लिंक लगा दूंगी अगर आप लोग चाहते हो। तो इन सब टॉप्स का, इन सब जीन्स का मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे अच्छा टॉप और सबसे अच्छी जीन्स कौन सी लगी। ओके सो बाय।